से प्यारा देश हमारा है, जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। Friends, it's my pleasure to introduce Mr. Prakash Chennitala, National President of Human Rights Protection Mission, which has been started from Kerala, but it has its ramifications all over the country. Mr. Prakash has taken it to his heart to see that no injustice is impinged on any individual, be it in any strata of society. But of course, friends, as Indian citizens, each one of us have our rights and duties. We should not shirk from our responsibilities in protecting the interest of the country. At the same time, we have our own rights, which is enshrined in the Constitution. At this juncture, I would like to remind you, or rather, I am reminded of the fact of the country, that is the greatest diversity we have. And we have large number of problems also associated with it. Everybody say India is a land of contradictions. That's because of the great diversity we have, unique in the world. If I may just quote for your information, 29 states including Telangana, 4 union territories, 2116 languages, 4600 castes, 6 religions, 6 ethnic groups, 52 tribes, 29 major festivals, 6,44,000 villages, 125 crores of people, and one nation, India. This is the diversity we have in our country. Sir, I'm very happy to introduce you to our viewers. Please, can you tell us the purpose behind, what made you start this mission? ये एनजीओ स्टार्ट करने के लिए मैंने क्यों खुद मेरे लिए एक तकलीफ हुआ था, वो भी पुलिस का वजह से हुआ था। लेकिन बाद में मैंने सोचा था, लेकिन मेरा ऊपर प्रेशर करने के लिए बहुत आदमी आ गया, वो आदमी का वजह से हमको जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन वो जस्टिस के लिए नहीं है, अपना तरफ से दूसरा आदमी को, साधारण लोग है ना, वो लोगों को बहुत पुलिस वाला बाकी लोग तकलीफ कर रहे हैं। इसलिए मैंने क्या सोचा था, सबके लिए कानून एक ही है, इसलिए सबके लिए लड़ने का है, इसके लिए उसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सब आपने अभी पहले बताया, ऐसा आदमी लोग सब एक ही है, एक ही इंडिया में हिंदुस्तान ही है हम लोग पूरा, कुछ ज़रूर सबको कानून का सामने सब एक ही है, इसलिए हमने ये बनाया। 2008 से आज तक आपका वो कोशिश तो जारी है, कितने फील्ड्स में, कितने इश्यूज आप टच किया? वो नेशनल इश्यू से हमारा इंडोसल्फान, ओके, वो कासरगोड में हुआ था, यस, लेकिन वो हमने पहले अपना इंडोसल्फान में बहुत प्रॉब्लम हो रहे करके प्रेस मीट किया। वो टाइम वो प्रेस वाला क्या पूछ रहा था, तुम लोग क्या नाम कमाने के लिए आए, क्या पूछा? हम बोला आप लोग भी पेपर में डालो, कुछ भी करो, लेकिन अपना काम तो अपन कर दिया है, लेकिन आगे अगर आप लोग सुनेगा नहीं तो हम तो कानून का सामने लेके जाएगा, अधिकारी को लोगों का सामने दिखाएगा बोल के बाद में वो उधर से शुरू हुआ, वो एक नंबर सक्सेस हुआ। दिस इज़ वन बर्निंग इश्यू फ्रेंड्स, द इम्पैक्ट ऑफ irresponsible use of endosulfan, or rather erratic use.
rampant use without any scientific basis. They have spread the endosulfan using helicopter. Their interest was only money, the returns from the crop, but they didn't care for what would happen to the people living in the area by consuming the polluted water, the very lifestyle, and then the young ones born with defects. The entire society is in hell. And हम सबको पता है अखबार में हमने पढ़ा है वो सब कुछ. ये खुशी की बात ये है कि आप जैसे लोग बाहर आया, वो लोग उससे मिल गया और वो सब मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या करना है अब. इसीलिए जो आपने किया आपको शाबाशी देना चाहता हूँ. अब बोलिए उसके बाद क्या हुआ. पहले हमको आदमी लोग ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए हम लोग कमेटी बना के गया था. एक प्रॉब्लम होएगा तो हमको 10 आदमी आने के लिए आदमी चाहिए, अपना ही मेंबर आना चाहिए, हमको बाहर से उधार लेके आदमी आना नहीं चाहिए. इसलिए हम लोग कमेटी बनाने के लिए बहुत टाइम किया. वो टाइम का अंदर जो 4-5 इश्यूज बड़ा मिल गया था उसको भी हाथ डाल दिया था. एंडोसल्फान कासरगोड कश्मीर पंडित का प्रॉब्लम में हम लोग नेशनल इश्यूज बना दिया. बाद में वो भी गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ किया लगता है. हम लोग क्या है, हम कानून का हिसाब से जा रहे हैं. हम लोग लड़ाई लपड़ा नहीं है. अभी देखो बहुत बढ़िया बढ़िया केस लोग आ रहे हैं, लेकिन वो केस में पुलिस लोग और राष्ट्रीय कार्यक्रम में वो लोग का सपोर्ट लेगा तो हम लोग वो ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही बोल के उन लोग हम लोग समझा के दे रहे. बाद में अगर सुनेगा नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा रहे, ऐसा ही कर रहे. ऐसा बहुत वो इश्यूज है. इसलिए और एक नेशनल इश्यूज है, हमारा कुटनाड पैकेज 5000 करोड़ का है. वो बहुत बढ़िया लफड़ा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में ही, अभी भी वो काम बंद है. अभी उसमें हम लोग एक बढ़िया इश्यू बनाया, बाद में हम लोग विजिलेंस का इंक्वायरी रख दिया था उसमें. बाद में हमारा आरमला एयरपोर्ट केरला में, वो भी बहुत बढ़िया है. उधर एयरपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत आदमी को तकलीफ करके एयरपोर्ट आ रहे हैं, पोल्यूशन का प्रॉब्लम. वो भी दादागिरी का स्टाइल में जा रहा है. बाद में वो भी स्टे किया था. अभी यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस that if you do not solve these problems, it will lead to higher problems. The whole society will stand against you if you do not solve the problem at this stage. I think in this mission, the important thing that I notice here, you are creating awareness. Yeah. And the problems are solved easily. You don't have to go to police, you don't have to go to court, but the very fact that you go there representing common man, wherever injustice has been done, that will be definitely redressed. As you said, endosulfan, you are successful, and you say even Kashmiri Pandit's problems you are attending to. All these things really augur well. Prakash Saab, aapne jo ye mission ka wo leadership le liya, aapko shabashi dena chahta hu. Jo bhi issues aapne so far attack kiya, वहाँ आपको रिजल्ट मिला है. इन दिस मिशन एनी मेजर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग? बहुत प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम कैसा आता है, हम लोग सीधा जाके इतना इजी में काम करके दिखाएगा तो पार्टी लोग को प्रॉब्लम होता है, पार्टी का प्रॉब्लम हमको भी पड़ता है. इसलिए हमने स्कूल में क्या करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पब्लिक अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड हाउ टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब. आई फील एज यू सेड वी शुड क्रिएट दिस अवेयरनेस एट द हाई स्कूल लेवल इटसेल्फ. एंड इन कर्नाटका आवर एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स हैड अर्लियर ऑर्गेनाइज्ड to create awareness among high school students about our duties as Indian citizens and later as our rights as Indian citizens. Both issues we have already made attempt to reach to high school level students. More than 8,000 students in Dakshina Kannada district in Karnataka we have successfully reached, and professors in political science
who are experts on constitution, they were the resource persons. In this direction, my suggestion to you rather would be you should select such resource persons, and major problems wherever exist in that area, people should come out openly. Where injustice is done to the masses, they must come out openly, and they should realize that it is our rights to demand wherever there is injustice impinged on the common man. State Human Rights Commission ko bula ke awareness program ke liye seminar kiya tha bahut. Abhi hamara isme hamara committee mein national committee, state committee, district committee, రీజన్ కమిటీ, తాలూకు కమిటీ, పంచాయత్ కమిటీ, వార్డు కమిటీ, ఐసా కమిటీ జాతా హే, వనితా వింగ్ సపరేట్ హే, ఉస్కే బాద్ మే లీగల్ సెల్ హే, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సెల్, మీడియా సెల్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే ఐసా ప్రొఫెసర్ లోగే, ఓ లోగ జాకే స్కూల్ మే పూరా ఏక ఏక ఐటమ్ కు ఉన్ లోగ బోలేగా ఏ ప్రోగ్రామ్ తుమ్ లోగ బనావో ఉన్ లోగ టీచింగ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ కర్ దో ऐसा बोलेगा वो लोग जाके करता है ऐसा ही सिस्टम एक वर्किंग टीम अलग है. प्रकाश चनीतला साहब, आपने जो काम कर रहे हैं इससे बहुत लाभ मिलेगा, कॉमन लोग को बहुत लाभ मिलेगा. ये ऐसे है कि अगर आपका नाम सुन गया तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते, क्योंकि आज या कल आप ज़रूर आएंगे. वो जिसको भी तकलीफ़ हुआ है उसके बारे में आप ये इश्यू लेकर आएंगे, तो ये सब जानने से प्रॉब्लम्स वही ख़त्म हो जाते. इन योर मूवमेंट इज़ रियली वेरी गुड, एंड इन केरला यू हैव टेकन द इनिशिएटिव एंड यू हैव ऑर्गेनाइज्ड आल्सो सो मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, एंड आल्सो यू हैव ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड ऑल दैट in the interest of society. All these good works you are doing, as a result of which you have been recognized also in the society. In the year 2013, you have received the Samrakshan Award from JCI, and this should be a spirit for your organization, and being the national president of Human Rights Mission, what you have started. We wish you all the best. People like you should come out and then try to help the needy. There are so many major issues still burning in the society. We hope that you will be able to tackle one by one, and as a result the society will live in peace. And in our country we need peace. Problems exist in all fields, but persons like you stepping into this problem solving, you know, it augurs well for the society. We wish you all the best. Prakashji, thank you.